योजनाओं में क्रियान्वयन को लेकर नियमावली में पेचीदगी के कारण विकास कार्यों में काफी दिक्कत हो रही है। खासकर मनरेगा योजना, आवास योजना एवं स्वच्छता कार्यक्रम के संचालन में काफी परेशानी हो रही है। यह बातें जोकीहाट प्रखंड के चीरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद ने बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में एक और योजनाओं में कटौती तो की ही गई है, साथ ही राशि का आवंटन भी समय पर नहीं हो रहा है, जिसको लेकर पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जनता में भी इसको लेकर आक्रोश है, क्योंकि इस कार्यकाल का भी लगभग 2.5 साल बीत गया, लेकिन राशि के अभाव में कई वार्डों में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। हालांकि इसको लेकर बिहार मुखिया संघ के आह्वान पर अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। मुखिया संघ के जोकीहाट प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद ने बताया कि ऐसी स्थिति में गांधी जी के पंचायती राज के सपनों को कैसे साकार किया जाएगा। आप चुनाव जब से जीत के आए हैं, पंचायत में जो विकास होना था, विकास की गति बहुत धीमी है, क्या कारण है? जी, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि विकास में धीमी होने का कारण है फंड। जो पहले फंड आते थे उसमें बहुत कमी हो चुकी है, बहुत कटौती किया जा चुका है। अब डायरेक्ट एजेंसी के द्वारा माध्यम से कुछ काम करने का निर्णय सरकार ने लिया है, और जो फंड आता भी है उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। बहुत सारे उम्मीद लोग लगाए हुए थे कि मुखिया बना है, पंचायत में बहुत तरह का विकास होगा, उस उम्मीद पे हम लोग खड़े नहीं उतर पा रहे। बहुत दुखद बात है ये, क्योंकि ग्राम में जितना विकास के लिए जो चीज़ चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, कि फंड उतना नहीं आ रहा सरकार के द्वारा। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग बहुत परेशान भी है कुछ चीज़ को लेकर, जैसे आप राशन कार्ड हो गया, उसके बाद वृद्धा पेंशन हो गया, और भी बहुत सारे योजना है, इंदिरा आवास हो गया। अब इंदिरा आवास को देख लीजिए, अभी विगत 2 साल होने जा रहा है, अभी तक में 80 या 90 स्टार्टिंग में ही लक्ष्य आया था, उसको पूरा किया गया। 2 साल हो गया, अभी तक इंदिरा आवास के लोग परेशान है, वो नहीं हो रहा। राशन कार्ड वगैरह के लिए RTPS काउंटर खोलने के लिए हमने DM साहब को आवेदन भी दिया था लिखित रूप में, और भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया है कि पंचायत में RTPS काउंटर हो, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। अब एक राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है, 3 दिन 4 दिन उसको दौड़ना पड़ता है, वहाँ जाके अपना मेहनत मजदूरी छोड़ के, उसके बाद भी आवेदन देता है तो कब क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं चलता, 6 महीना साल भर के बाद कुछ होता है, या कभी तो होता भी नहीं है। ये सब बहुत सारे समस्या है पंचायत में। इन सब चीज़ों में सरकार को चाहिए कि ध्यान दे। और एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पंचायती राज में ग्राम सभा बहुत मायने रखता है। अब यहाँ आम लोगों की आवश्यकता क्या है ये तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए, हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ पर इस पंचायत के विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ पर क्या करना, कहाँ पर सड़कें बनना है, कहाँ नाली बनना है, कहाँ पोखर बनना है, ये सब चीज़ बोलने के लिए ग्राम सभा में पारित करना है। लेकिन ऊपर से ही गाइडलाइन आ रहा है कि आपको फलाना काम करना है, आपको ये करना वो करना। अभी एक मनरेगा में देख लीजिए, अभी लेटर आया है, उसमें ये कहा गया है कि मनरेगा से सड़क बनाने के लिए कि जमीन आपको गवर्नमेंट के नाम से करना होगा। अब थोड़ा देर के लिए आप समझ लीजिए कि कोई एक आदमी बसा हुआ है, 10 घर बसा हुआ कहीं पर, उसको रास्ता नहीं, रास्ता में उसका 4 आदमी 5 आदमी का जमीन पड़ रहा है, तो पहले क्या होता था, समझौता के तहत हम लोग 5 लोगों से मिलकर ठीक है थोड़ा आप दे दिए, थोड़ा आप दे दिए, जमीन देता था, लोग वहाँ रास्ता बन जाती थी, लोगों का निकासी हो जाता था। अब वो भी बाधित होने जा रहा है कि कोई जमीन तो ऐसे रास्ता बना दे रहा था, अब जमीन रजिस्ट्री करके कोई देना नहीं चाहेगा, तो ऐसे बहुत सारे समस्या है। इससे मनरेगा काम में भी बहुत कमी होगी, और लोगों के सोच के हिसाब से रास्ता नहीं बन पाएगा, गली नहीं बन पाएगा, ये सब बहुत सारा समस्या आ रहा है। जी जी, बहुत पेचीदगी आ गई होगी, और काम करना बहुत टफ हो गया है, और इससे विकास में और गति, विकास की गतिविधि में, मतलब विकास में रफ्तार में कमी होगी। और 2.5 साल लगभग जीत के हुए आप लोगों को आए हुए, 2 साल होने जा रहा है, 2 साल होने जा रहा है, 2 साल में क्या फंड बिल्कुल भी नहीं आया जो आप विकास करते? आया, जितना फंड आया उतना हम लोग विकास कर ले। जितना फंड आया वार्ड में एक सड़क बनाने के लायक फंड नहीं आया, 14 वार्ड में हम वितरण नहीं कर पाए इतना फंड आया। मान लीजिए 14 वार्ड में है, अगर एक वार्ड में अगर हम 5 लाख का ही सड़क बनाते हैं तो 14-15 70 लाख ऐसे ही हो जाता है। इतना तो राशि भी सरकार ने नहीं दिया अभी तक,
और लोग एक उम्मीद लगाए हुआ है कि मुखिया जी हमारा सड़क बन जाए, हमारा गली बन जाए, हमारा रोड बन जाए, तो हम लोग बना नहीं पा रहे। उन लोगों को, आम लोग है बेचारे, सीधे साधे लोग होते हैं, उनको क्या पता कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। वो तो एक मुखिया जी पर आश्रित है, मुखिया जी हमारा काम नहीं कर रहा है, और इस बीच में बिचौलिए लोग उसको और प्रोत्साहन दे रहे कि तुम्हारा तो काम ही नहीं हो रहा, ऐसा मुखिया बना दिया। ये हम अपने आम लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आज विकास की गतिविधि में कमी है तो फंड की कमी के कारण से ऐसा हो रहा। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, धरना भी हम लोगों ने दिया है, पूरे बिहार का मुखिया संघ लोगों ने, हम लोग अपने उन्नीस सूत्र मांग भी रखे हैं, पटना में भी जाके हम लोग धरना दिए हैं। सारे आम लोगों के जो भी योजनाएं चल रही है कल्याणकारी योजना, सब पे सिस्टम से कैसे बेहतर हो, लोगों को कैसे फायदा पहुंचे, वो सब चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बात सुनेगी। सरकार से एक चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप आम जनता की सरकार हैं, लोगों ने बहुत उम्मीद से सरकार बनाई है, और हम लोगों को भी लोग चुनाव जिताया है इसी उम्मीद से कि हमारे ग्रामीण का, पंचायत का विकास होगा। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग उन्नीस सूत्री मांग किए हैं, ये पंचायत के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग, ये पर्सनल कोई मुखिया का नहीं है, लेकिन जो भी होगा पंचायत का विकास ही होगा। तो पंचायत के विकास के लिए सरकार से मेरा ये आग्रह है कि वो जो उन्नीस सूत्री मांग मुखिया संघ के द्वारा रखा गया है पूरे बिहार के, उस मांग को पूरी करे। हमें उम्मीद है कि अगर उस मांग को पूरी कर दी जाती है तो पंचायत का विकास बहुत तेजी में होगा। अररिया के चांदनी चौक से 0 माइल जाने वाली सड़क पर उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के ऊपर लाइफस्टाइल रेडीमेड होलसेल दुकान का एक माह पूर्ण होने के उपलक्ष में दुकानदार और स्टाफ बेहद उत्साहित हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान को खोले 1 महीना पूरा हुआ है और हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं वह पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। हमारे यहाँ बचपन से लेकर 55 तक यानी हर उम्र के लोगों के लिए कपड़े उपलब्ध है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए फ्रॉक मात्र 113 रुपये से शुरुआत है। हमारे यहाँ फ्रॉक, कुर्ती, साल, जींस पैंट, शर्ट, जैकेट आदि दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मुंबई सहित देश के बड़े बड़े शहरों से आता है। हम ग्राहकों को हर रेंज का कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने नए ग्राहकों से भी एक बार विजिट करने की अपील की।